सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब तो आज हम करेंगे करिकुलम पेडागोजी एंड एवैल्युशन का टॉपिक थ्री का पार्ट वन जो कि है टेक्स्ट बुक मैं इसके पार्ट टू जिसमें सप्लीमेंट्री मटेरियल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं सो so, जब भी हम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यानी हम किस चीज़ से पढ़ें तो सबसे ज़्यादा टॉप लिस्ट पे टेक्स्ट बुक आती हैं बच्चे जो अपनी टेक्स्ट बुक को टीचर के बाद कंसिडर करते हैं यानी टीचर के पढ़ाने के बाद सबसे बच बाद बच्चे टेक्स्ट बुक के पास जाते हैं अपने पढ़ने के लिए तो जो टीचर होती है वो बच्चों को सब कुछ एट टू जेड लाइन टू लाइन नहीं पढ़ा सकती इसलिए बच्चे जो होते हैं अपना ज़्यादातर चीज़ टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं ज़्यादातर बच्चे टेक्स्ट बुक के साथ साथ जब टीचर हमें पढ़ा रही है तो उसके साथ साथ टेक्स्ट बुक्स का यूज़ करते हैं कुछ बच्चे बाद में लेसन के बाद यूज़ करते हैं कुछ बच्चे डेली टेक्स्ट बुक का यूज़ करते हैं अब टेक्स्ट बुक के अलावा बच्चे रेफरेंस बुक यूज़ करते हैं जर्नल्स यूज़ करते हैं वर्क बुक यूज़ करते हैं लर्निंग किट्स यूज करते हैं कंपेनियन टेक्स्ट बुक यूज़ करते हैं या डिफरेंट मटीरियल्स यूज़ करते हैं तो इस चैप्टर में हम टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री मटीरियल्स के बारे में पढ़ेंगे तो आइए जानते हैं कि टेक्स्ट बुक होती क्या है जो टेक्स्ट बुक होती है उस पर एक्सप्लेनेशन होता है किसका एक्सप्लेनेशन होता है जो हमारे कोर्स में जो हमारा सिलेबस है उसमें टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन होता है जो सिलेबस होती हैं और जो टेक्स्ट बुक होती हैं वो अप्रूव करी जाती हैं मतलब उस पर स्टैम्प होता है वो अप्रूव करी जाती हैं वो चेक करी जाती हैं एजुकेशन या फिर स्टेट या सेंट्रल बोर्ड जो भी है एजुकेशन का वो चेक करती हैं जो ऑथर होता है टेक्स्ट बुक का वो क्या होता है ज़्यादातर एक एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल पर्सन होता है कुछ टेक्स्ट बुक लिखी जाती हैं एक या एक से ज़्यादा ऑथर्स ने मिल लिखी होती हैं ये मेंटल लेवल स्टूडेंट्स के बारे में अच्छे से जानते हैं जो राइटर्स होते हैं वो जानते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में क्या है उन्हें वो कॉन्सेप्ट क्लेरिफाई करते हैं एक्सप्लेनेशन देते हैं ईच पॉइंट की कंक्लूजन देते हैं टॉपिक समझाते हैं और सब टॉपिक को समझाते हैं अब टेस्ट बुक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं अ बुक कंटेनिंग अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन एक ऐसी बुक जिसमें प्रॉपर डिस्क्रिप्शन हो डिटेल हो एक्सप्लेनेशन हो रिलेशनशिप्स हो डिस्टिंक्शन यानी डिविजन्स हो कंसेप्चुलाइजेशन यानी कंसेप्ट के बारे में हो किसके कॉन्सेप्ट के बारे में हो टर्म्स की प्रिंसिपल्स की थ्योरीज की और जो रिलेटेड इशू हैं जो हमारे सिलेबस में हैं उन सब के बारे में जो प्रिस्क्राइब्ड हो अब ये तो हमने पढ़ा टेक्स्ट बुक के बारे में कि आखिर टेक्स्ट बुक होती क्या है सो so, इंपॉर्टेंस देखेंगे टेक्स्ट बुक की आखिर इंपॉर्टेंस क्या होती है तो पहला ये होता है एक सोर्स ऑफ कॉन्टीन्यूअस रेफरेंस यानी इसमें से कॉन्टीन्यूअसली लगातार बच्चे रेफर कर सकते हैं उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं सेकेंड इज़ अ सोर्स ऑफ डूइंग द क्लास एंड होमवर्क जब भी हमें कोई क्लास वर्क या होमवर्क मिलता है बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक को यूज़ करके वो आंसर करते हैं टीचर्स टास्क फैसिलिटेड टीचर को क्या टास्क देना है बच्चों को ये वो टेक्स्ट बुक से रेफर करके भी दे सकती हैं यूजफुल फॉर पेपर सेटर्स जो भी पेपर बनाते हैं बच्चों का उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है टेक्स्ट बुक नेक्स्ट इज फिलिंग द गैप ऑफ नॉलेज यानी बच्चे इससे अपने नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन कर सकते हैं स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक अलग अलग टाइप की टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हैं अपने फ्री टाइम में ऑर्गेनाइज यूनिट ऑफ वर्क इसमें एक बहुत प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज यूनिट होती हैं वर्क की जो भी हमें पढ़ना है सीक्वेंस ऑफ टीचिंग प्रोसीजर इसमें सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस uh, किसका होता है साइकोलॉजिकल मैक्सिम्स का यानी साइकोलॉजिकल मैक्सिम्स क्या कहता था सिंपल टू कॉम्प्लेक्स यानी पहले सिंपल चीजें पढ़ाई जाएं फिर कॉम्प्लेक्स और उसके बाद क्या है नोन टू अननोन मतलब जानते हैं जो बच्चे पहले वो पढ़ाए जाए फिर अननोन पे जाए मतलब ऐसे जो मैक्सिम्स हैं वो फॉलो होती हैं नेक्स्ट इज इट यूज यूजफुल फॉर अदर ऑथर्स जो बाकी के ऑथर्स हैं वो ही रेफरेंस ले सकते हैं इस बुक से अब इसके कुछ मिसलेनियस यूजेस भी होते हैं जैसे कि ये होता है सिलेबस बनाने के लिए इसके कुछ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होते हैं ऐसे प्रोजेक्ट बनाने के लिए समरी पॉइंट्स देखने के लिए रेफरेंस लेने के लिए ये इसके कुछ यूजेस होते हैं अब क्या क्राइटेरिया होता है एक अच्छी टेक्स्ट बुक का या फिर क्या क्वालिटीज़ होती हैं टेक्स्ट बुक की पहले ही कोर्स कवरेज उसमें सारा कोर्स कवर होना चाहिए एक पर्टिकुलर बुक में सेकंड इज़ डेप्थ ऑफ कवरेज मतलब पूरा प्रॉपर डेप्थ में होना चाहिए ताकि बच्चे उसकी डीप स्टडी कर सकें लैंग्वेज यूज़ जो लैंग्वेज हो वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो कि हर एक टाइप का बच्चा उसे समझ पाए अप्रोच फॉलो उसमें प्रॉपर अप्रोच फॉलो होनी चाहिए जो कि हमारी दो मेन अप्रोच होती है एक इंडक्टिव अप्रोच और एक होती है डिडक्टिव अप्रोच है दोनों यूज होनी चाहिए टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल्स नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स प्रॉपर एग्जाम्पल्स होने चाहिए हमारी टेक्स्ट बुक में सूटेबल फॉर्मेटिंग उसमें प्रॉपर फॉर्मेट ऑथर को चूज करना चाहिए नेक्स्ट इज अपीलिंग ग्राफिक एलिमेंट्स मतलब एक टेक्स्ट बुक में अगर अपने टेक्स्ट बुक को हमें एनरिच करना है तो उसमें सूटेबल ग्राफ्स होने चाहिए जिससे बच्चे बहुत प्रॉपर्ली समझ सके समरी पॉइंट्स हर एक टेक्स्ट बुक में कुछ समरी पॉइंट्स होने चाहिए कि आज हमने इस टॉपिक में ये पढ़ा वो पढ़ा एव इवेलुएटिव एक्सरसाइजेस हर एक टेक्स्ट बुक में हर एक चैप्टर के पीछे इवेलुएटिव एक्सरसाइज यानी कि क्वेश्चन आंसर्स पजल्स क्विज होनी चाहिए ताकि बच्चे ने जितना समझा वो अपना आपको इवेलुएट कर सके प्रोजेक्ट्स अब इस हर एक टेक्स्ट बुक में कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट होने चाहिए ताकि बच्चे प्रोजेक्ट वर्क कर सकें उनकी नॉलेज इंक्रीज़ हो जिससे मिसलेनियस रिक्वायरमेंट अब कुछ मिसलेनियस रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस पर्सन के द्वारा लिखी जानी चाहिए ये प्रॉपर्ली रीड करी जानी चाहिए ये ज़्यादा मतलब ज़्यादा बिना बात की नॉलेज ना दे प्रॉपर पॉइंट टू तो द पॉइंट बताए अब ये तो हमने पढ़ा कि क्या क्वालिटीज़ होती हैं अब प्रिकॉशंस क्या सावधानियाँ बरतनी बरती जाए टेक्स्ट बुक को यूज़ करते वक्त अब हम पहली सावधानी देखिए कौन बरतेगा पहली सावधानी बरतेगी टीचर अब वो टीचर कौन सी सावधानी बरते हम इसके बारे में पढ़ेंगे सबसे पहला वो थोरो स्टडी करें यानी प्रॉपर स्टडी करनी चाहिए टीचर को उस टॉपिक की नेक्स्ट इज सप्लीमेंटिंग द टेक्स्ट बुक मैटर यानी डिफरेंट डिफरेंट सप्लीमेंट्स बुक से इकट्ठा करके एक नॉलेज देके तब टीचर को पढ़ाना चाहिए अवॉइड एप्लीकेशन टीचर को एक टॉपिक बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए फोकल पॉइंट इन द टेक्स्ट बुक फोकल पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट्स के जिस जिसपे स्पेशल अटेंशन दी जाती है हम जैसे देखते हैं कि नोट बना होता है स्टार बने होते हैं उस पर टीचर ज्यादा ध्यान दे इन टच विद न्यू एडिशन टीचर को जो न्यू एडिशन की बुक होती है उसमें टच में रहना चाहिए टेक्स्ट बुक एज अ लेसन प्लान टीचर को टेक्स्ट बुक जो है वो एज अ लेसन प्लान की तरह यूज़ करना चाहिए अब ये तो हमने प्रिकॉशंस पढ़ी कि क्या टीचर प्रक्योशन यूज करे अब हमें देखेंगे क्या प्रिकॉशंस स्टूडेंट्स यूज करें तो कीपिंग द टेक्स्ट बुक इन पोजिशन जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी जो बुक्स हैं वो स्कूल और होम में प्रॉपरली रखें और उसके बाद वो प्रॉपर लिबर्टी से उस बुक को यूज़ करें यूटिलाइजिंग द टेक्स बुक फॉर असाइनमेंट्स जो असाइनमेंट है वो बच्चे ज़्यादातर फोन से यू पढ़ते हैं लेकिन नहीं उन्हें टेक्स्ट बुक यूज़ करके अपने असाइनमेंट्स बनाने चाहिए रिपीटन फॉर इफेक्टिव लर्निंग बच्चों को एक टॉपिक पढ़ने के बाद ये नहीं है कि हमने एक टॉपिक पढ़ लिया हम अब नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर को एक टॉपिक को रिपीट करना चाहिए जिससे उनकी इफेक्टिव लर्निंग हो नेक्स्ट इज़ फॉलो द ऑथर इंस्ट्रक्शन हर एक टेक्स्ट बुक में फर्स्ट सेकंड पेज ऑथर इंस्ट्रक्शन देता है कि इस बुक को पढ़ने से पहले आप ये इंस्ट्रक्शन दे तो बच्चों को वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी चाहिए और टीचर्स को भी वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी चाहिए नेक्स्ट इज़ नोट मेकिंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक बच्चों को टेक्स्ट बुक पढ़ते पढ़ते साथ में नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए ताकि उनकी प्रॉपर लर्निंग हो मेंटेनेंस ऑफ द टेक्स्ट बुक बच्चों को प्रॉपर अपनी टेक्स्ट बुक को मेंटेन करना चाहिए ताकि वो उसे अच्छे से यूज़ कर पाएँ तो ये तो हमने पढ़ी कि प्रिकॉशंस क्या होती है बाय द टीचर एंड बाय द स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज गाइडलाइंस फॉर टेक्स बुक अंडर एन सी एफ टू थाउजेंड फाइव यानी कि एन सी एफ टू थाउजेंड फाइव क्या कहता है वो कुछ गाइडिंग प्रंसिपल्स देता है यानी क्या राइटर्स को वो क्या बताता है बुक लिखने से पहले तो वो बोलता है कि बुक जो हैं वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए उसमें सोशल कॉन्सेप्ट होने चाहिए जैसे पॉवर्टी लिटरेसी उसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच यूज़ करी जानी चाहिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ होनी चाहिए कि कन नॉलेज बिल्ड हो स्टूडेंट्स में ऐसे हमें बनानी चाहिए इन्वायरमेंटल नॉलेज हो बच्चों की कोग्नेटिव वैलिडिटी को टेस्ट करें कंटेंट वैलिडिटी हो प्रोसेस वैलिडिटी हो तो डिफरेंट डिफरेंट वैलिडिटी होनी चाहिए स्टूडेंट्स इसीलिए टेक्स्ट बुक यूज़ कर पाएँ वो पढ़ पाएँ अब बच्चे जो हैं वो ऐसे लिख बच्चे इंटरेस्ट लें टेक्स्ट बुक में ऐसी बुक्स लिखी जानी चाहिए उसमें वैरायटी हो एक्टिविटीज़ की उसमें फुल अवेलेबल मटेरियल यूज़ हो जैसे कि जो बच्चे अपने आस पास ऑब्जर्व कर सकते हैं ऐसे एग्जांपल हो या आगे बच्चे इमेजिनेटिव बच्चे बहुत इमेजिनेटिव माइंड के होते हैं क्रिएटिव माइंड के होते हैं तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए बुक फॉर्म होनी चाहिए ये ग्रुप वर्क इंकरेज करना चाहिए बुक को ये जेंडर इनिक्वालिटी को बिल्कुल भी ना दिखाएं टेक्स्ट बुक लिखते हुए वो प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स को उसमें मैंशन करना चाहिए फुल पोटेंशियल से एक बुक लिखनी चाहिए बच्चा कितना सोच सकता है उस अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक फॉर्म होनी चाहिए बच्चों में क्रिएटिव डेवलप हो बच्चों के मिसकन दूर हो लर्निंग हो, तो मतलब इस टाइप से ये कुछ गाइडलाइंस जो थी वो टेक्स बुक राइटर्स को एनसीएफ ने दी थी सो so, आज की वीडियो में हमने पढ़ा ये टेक्स्ट बुक के बारे में उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में क्या क्राइटेरिया होता है गुड टेक्स्ट बुक को सिलेक्ट करने का या क्या क्वालिटीज़ होती हैं गुड टेक्स्ट बुक की अब कुछ प्रिकॉशंस होती हैं जो टीचर यूज़ करें स्टूडेंट्स यूज़ करें और लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा कि क्या गाइडलाइंस दी है एन सी ने कि टेक्स्ट बुक राइटर के लिए हो पे आप लोगों को वीडियो क्लियर हुई होगी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड इफ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन हब वीडियोज टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग